राजेश जैन। राजेश जैन जी, जो ये इतना बड़ा माहौल है, ये सड़कों पर ये आप लोग उतरे हैं, तो क्या कारण है उतरने का? ये MCD ने सुप्रीम कोर्ट की आड़ में आपातकालीन स्थिति कर दी, पिक एंड चूज के तरीके से। वो सिर्फ स्टोन ट्रेडर्स को टारगेट करके और उनको यहाँ पर सील करके जा रहे हैं। यहाँ पर रोज हजारों लोग काम करते हैं, एक एक दुकान पे 50 से 100 लेबर काम करती है। उनके आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंदर हजारों आदमी करके लाखों आदमियों का जो रोजगार है वो सारा इससे छीन गया है। एक तरफ तो सरकार के पास देने के लिए नौकरियां नहीं है, जो लोग रोटी के जुगाड़ के अंदर यहाँ आए हैं, अपनी रोटी कमा रहे हैं, उनको वो यहाँ से बेदखल करके और भूखे मरने के लिए मजबूर कर रही है। किसी तरह का किसी भी मार्बल व्यवसायी को ना नोटिस दिया गया, ना किसी से आके उसकी बात सुनी गई, ना कोई दया, ना कोई मतलब किसी ने 7 दिन 3 दिन 2 दिन का टाइम मांगा, किसी को कोई वक्त नहीं दिया और बिल्कुल आतंकवादियों की तरह आके आपातकालीन स्थिति से फोर्स लाके और जबरदस्ती हमसे ये सारे के सारे सील करते जा रहे हैं। सर, जो आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्र निगम पार्षद हैं और क्षेत्र आपके जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी सोच क्या है आपके बारे में? नहीं, उन्होंने तो विदुड़ी जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। लोकल MLA जो थे वो पहले दिन हमारे साथ 4 घंटे तक खड़े रहे हैं, उन्होंने भी सबसे बात करी थी। पर उसके बाद क्षेत्र का विधायक आपके साथ में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके साथ में, उसके बावजूद भी सीलिंग। नहीं सर, ये आप थोड़ा जी सही नहीं बता रहे हैं, क्लियर करें इसको। हमारी कल विदुड़ी जी के साथ में हमारे डेलीगेशन की मीटिंग हुई थी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इस क्वेश्चन को उठाया भी और कल की पार्लियामेंट के अंदर विजय गोयल जी ने मार्बल के जो गोडाउंस है उनको वो जो शेड्स के अंदर इसमें परमिटेड बताया और उन्होंने इसको अमेंडमेंट करने के लिए कहा। और क्षेत्रीय विधायक करतार सिंह जी उस दिन 4 घंटे तक हमारे साथ थे, उसके बावजूद भी ये सीलिंग उसी तरह से चलती रही। कोई लेकिन सर, जब GST 28% लगाई थी, जब तो इनका वो आपको एक बहुत अच्छा संदेश था कि आप ये काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ में कर रहे हैं। नहीं सर, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करें, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने देखे? नहीं, ऑर्डर हमें या किसी को या पेपर में आए या कि नोटिस दिया गया है? हमें ना तो किसी को नोटिस दिया गया, ना हमारे को किसी को ऑर्डर। तो आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों बीच में घसीटा? हमने थोड़ी घसीटा, ये लोग घसीट रहे हैं। MCD वाले, MCD के जो यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के का कहकर, जब आप ऑर्डर मांगते हैं क्या ऑर्डर दिखाते हैं आप? नहीं नहीं दिखाते हैं ना। और हमारे पास के अंदर जो इसके हमारे पास में लीगल प्रोटेक्शन के पेपर्स हैं, हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, वो देखना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भाई हमारे पास में मॉनिटरिंग कमेटी का जो ऑर्डर है और उनको सुप्रीम कोर्ट ने। साहब, ये आपका ये सीलिंग हो गया, आगे योजना क्या रहेगी आपको? अभी तो हम क्या, हम तो सड़क में है। क्या आप परमानेंट सड़क पर ही रहेंगे या आप अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने भी बच्चों के पेट पालन के लिए कोई आगे मुहिम तो होगी? पिछले 5 दिनों से हम इसी के चक्कर में लगे हुए, इसी में बैठ रहे हैं। सुबह इसी काम में आ जाते हैं और शाम को वापस घर चले जाते हैं, और कोई तुम्हारे पास जगह ठिकाना है नहीं कि हम कहीं जाके बैठ जाएं जी। तो रोटी पालने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना, भीख तो मांग नहीं सकते। सरकार तो यही चाहती है कि भाई हम लोग सारे भीख मांगने के लिए चले जाएं, खड़े हो जाएं। सरकार ने तो हमारे को इस स्थिति में खड़ा कर दिया है।